हेलो नारायण हरि, हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ टुडे क्लास इज व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय महमूद गजनवी। तो हु दिस महमूद गजनवी वाज? स्टूडेंट्स, दिस महमूद गजनवी वाज ए प्लंडरर। बोथ दिस महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी वर द प्लंडरर, जो लुटेरे थे। देयर एम वाज टू टेक द वेल्थ ऑफ इंडिया, और अपनी इंडिया से उसकी वेल्थ ली जाए, लूटी जाए और अपनी कंट्रीज में ले जाएं। तो इनका एम, देयर एम वाज डिफरेंट फ्रॉम द एम ऑफ द मुगल्स। मुगल रूलर्स जो थे, उनका एम था इंडिया में सेटल होना, यहाँ पर रहना, लेकिन इनका एम था यहाँ से इंडिया की वेल्थ को ले जाना अपनी कंट्रीज के अंदर। तो जो महमूद गजनवी जो था, ही वॉज बॉर्न ऑन 1 नवंबर 1971 में, ये गजनी में इसका जन्म हुआ था। तो गजनी जो है, ये अफगानिस्तान का एरिया है। ये जो ग्रीन कलर से आउटलाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री इंडिया, और ये ब्लू कलर से जो लाइन है, ये पाकिस्तान का रीजन है, एंड दिस पिंक एरिया जो है, ये अफगानिस्तान का रीजन है। तो महमूद गजनवी जो था, वो शुरू से, जैसे मैंने बताया कि एम्बिशियस भी बहुत था, और गजनी में ये पैदा हुआ। हिज फादर वॉज सुबुद्दीन, हु वॉज द रूलर ऑफ गजनी। तो एम्बिशियस होने के साथ साथ इसने खुरसान एरिया को भी कवर कर लिया। खुरसान जो एरिया था, वो आज का प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ ईस्ट ईरान का एरिया है, साउथ तुर्कमेनिस्तान और नॉर्थ अफगानिस्तान। तो इस एरिया को भी महमूद गजनवी ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो अब महमूद गजनवी इंडिया पर अटैक क्यों कर पाया? इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है और गजनी छोटा सा एरिया है उसके सामने, तो रेशो में बहुत डिफरेंस है। सो हाउ दिस महमूद गजनवी वॉज एबल टू अटैक एंड कंट्रोल इंडिया? वाई? बिकॉज इंडिया वॉज पॉलिटिकली नॉट यूनाइटेड, इट वॉज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज, देयर वॉज नो सेंट्रलाइज रूल। कोई एक पॉलिटिकल पावर इंडिया में नहीं थी जो पूरी कंट्री को होल्ड कर सके, यूनाइट कर सके फ्रॉम ईस्ट टू वेस्टर्न नॉर्थ टू साउथ। तो दैट्स वाई महमूद गजनवी को एक ओपन इन्विटेशन था, और उसमें क्योंकि इंडिया जो था उस टाइम डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स में डिवाइड था। जैसे फर्स्ट जो था यहाँ पर, ये प्रतिहार इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी जो राजस्थान में है, ये राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पर प्रतिहार स्टेट्स थी। सेकेंड जो था, ये चालुक्याज ऑफ गुजरात थे, ये एरिया चालुक्याज ऑफ गुजरात का रीजन है, चालुक्याज ऑफ गुजरात में, जो गुजरात में चालुक्याज का रूलर था। परमार्स का रूलर था सेंट्रल इंडिया में, मालवा के अंदर, धार उनकी कैपिटल थी। आफ्टर दैट चंदेल जो सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे, बुंदेलखंड उनका एरिया था, ये यहाँ पर दूसरे रूलर्स थे। कन्नौज यूपी में इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है, और ये यहाँ पर इस टाइम जो रूलर थे वो प्रतिहार रूलर थे, राज्यपाल वॉज द रूलर ऑफ दिस कन्नौज एरिया। बंगाल जो था वो थोड़ा दूर था, उसका डिस्टेंस था गजनी से, तो दैट्स वाई इट रिमेंड सेफ, और ये पाल रूलर महिपाल के अंडर में था। नाइन्थ में अब हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने सेंट्रल इंडिया को डिस्कस किया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में ये जो एरिया है महाराष्ट्र का, यहाँ पर राष्ट्रकूट्स का रूल रीजन था। यहाँ जो 10 नंबर जो लिखा है, दैट वॉज द एरिया ऑफ द तमिलनाडु प्रेजेंट, यहाँ चोलास का रूल था। 11 नंबर में ये पल्लवास पांड्यास का रूल था यहाँ पर, जो आज का केरल है, और जो बेंगलोर का जो रीजन है, यहाँ पर पल्लवास का रूल था। तो इंडिया को हम क्या देख रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, कोई सेंट्रलाइज रूल नहीं है, इस वजह से महमूद गजनवी यहाँ पर अटैक कर सका। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस जो स्टेट्स, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पोर्शन है, जिस यहाँ पर इस टाइम जो रूल था वो एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी, जिसको हम हिंदू शाही डायनेस्टी बोलते हैं। तो ये जो 13 नंबर यहाँ लिखा है, ये एरिया हिंदू शाही डायनेस्टी का एरिया था। इनका जो एरिया है वो चेनाब रिवर, जो हमारी 5 रिवर्स हैं पंजाब की, तो उसमें जो चेनाब रिवर है वहाँ से इसका एरिया स्टार्ट होता था, और ये हिंदू कुश माउंटेन्स हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, जो ये माउंटेन्स बने हुए हैं, ये माउंटेन्स हैं। तो चेनाब रिवर से माउंटेन्स, ये हिंदू कुश माउंटेन तक इसका एरिया स्प्रेड था। इस एरिया में ये लोग रहते थे, जो कि शाही डायनेस्टी के रूल थे, हिंदू शाही रूलर्स थे, एंड देयर रूल एरिया वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम चेनाब टू हिंदू कुश, एंड दे फेस्ड अरब अटैक्स। इन्होंने अरब अटैक्स को भी इन्होंने फेस किया था, और इस एरिया में अराउंड 200 ईयर्स तक अटैक्स होते रहे हैं। इनकी कैपिटल जो थी, दैट वॉज वाहिंद, WAHIND, वाहिंद इनकी कैपिटल थी। और जब महमूद गजनवी ने अटैक किया इस एरिया पर गजनी से, तो यहाँ का जो रूलर था, द रूलर वॉज जयपाल वॉज द रूलर, और हिंदू शाही फेस्ड फर्स्ट अटैक फ्रॉम गजनी। तो गजनी से जो फर्स्ट अटैक फेस किया था वो हिंदू शाही डायनेस्टी ने ही फेस किया था, जिनका रूलर जयपाल था इस पर्टिकुलर टाइम में। उसके साथ साथ कश्मीर का जो रीजन था, ये हमारा जो कश्मीर का रीजन था, यहाँ पर जो महमूद गजनवी अटैक, यहाँ पर इस टाइम इंडिया में क्वीन दिद्दा, डिड्डा क्वीन जो थी, उनका रूल था। कन्नौज में जो रूल था इस टाइम, कन्नौज वॉज बींग रूल्ड बाय द प्रतिहार डायनेस्टी, जो राज्यपाल वॉज द रूलर ऑफ दैट एरिया। और इसके बाद कुछ स्मॉल स्टेट्स थी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, साउदर्न स्टेट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स और थी, जो मुल्तान और सिंध।
तो मुल्तान और सिंध जो थी इस टाइम दे वर अंडर द मुस्लिम रूलर्स ऑफ अरब्स एंड मेड देम इंडिपेंडेंट इन 1871 ऑफ खलीफा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा था कि जो ये मुल्तान स्टेट है और ये सिंध स्टेट है, ये जो अरब के मुस्लिम्स थे वो इनके ऊपर रूल कर रहे थे और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया था फ्रॉम द रूल ऑफ खलीफा। तो खलीफा वॉज द हेड ऑफ द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, जो इराक बगदाद का रूलर था आज के पर्टिकुलर टाइम में, जो बगदाद का एरिया है। तो इन रूलर्स ने, मुल्तान और सिंध के रूलर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। नाउ दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस खलीफा। तो इस पर्टिकुलर टाइम में हम लोगों ने क्या देखा था कि इंडिया वॉज नॉट यूनाइटेड एंड देर वॉज कम्प्लीटेड डिसेंट्रलाइजेशन एंड इन द एबसेंस ऑफ द सेंट्रलाइज रूल इट वॉज एन ओपन अपॉर्चुनिटी अपन इन्विटेशन टू महमूद गजनवी द प्लंडर लाइक महमूद गजनवी टू अटैक एंड इन्वेड इंडिया एंड दैट्स वाई ही कुड अटैक इंडिया एंड गॉट लॉट्स ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।